हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर भाई। बच्चों अभी तक मैंने आपको चार लेक्चर दे दिए हैं, ये पांचवा लेक्चर आज आपको देने जा रहा हूँ। नाम इसका कूलाम का नियम। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था कि दो चार्ज होते हैं तो चार्ज की जो नेचर होती है वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो सकती है, तो इस आधार पर हमने पढ़ा था उनके बीच अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन होता है। अगर किस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्स करते हैं तो इसको हम फोर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो चार्जों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कितना स्थिर वैद्युत बल लगता है, उसकी गणना करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं कूलाम, उन्होंने स्थिर वैद्युत बल दो चार्जों के बीच दिया जिसे नाम दिया गया है कूलाम का नियम। इनमें उन्होंने क्या किया कि आवेशों को जो चार्ज होते हैं चार्ज को पॉइंट चार्ज माना है। पॉइंट चार्ज क्यों मानते हैं, क्योंकि आप ध्यान से सुने, जो सूर्य होता है सन पृथ्वी से बहुत दूर है, जब दूरी बहुत ज्यादा होती है तो वो हमें छोटा देखने लगता है और छोटी चीज को हम पॉइंटेड कह सकते हैं। तो जब दो चार्जों के बीच की दूरी ज्यादा हो उन चार्जों की तुलना में तो उन चार्ज का नाम पॉइंट चार्ज कह देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ले लिए पॉइंट चार्ज, नाम दे दिया Q1, Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम r। अब ये प्लस प्लस हैं या माइनस प्लस हैं वो फोर्स के नेचर पे, इसके लिए हम आपको वेक्टर्स लॉ भी देने वाले हैं, इसका कूलाम का वेक्टर फॉर्म भी देंगे। तो Q1 Q2 के बीच कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए हम थोड़ा सा आपको 11th पे लेके चलते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा हुआ है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, उसमें हम पढ़े हैं कि दो मास होते हैं m1 और m2, डिस्टेंस बिटवीन देम r। तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं f प्रोपोर्शनल m1 m2, f प्रोपोर्शनल 1/r² बाय मिक्सिंग, तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², तो f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r². तो सिमिलरली इस कूलाम्स लॉ को भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगे या रिपल्सन फोर्स लगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा Q1 Q2, F प्रोपोर्शन 1/r², ये इनवर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r². आप देख रहे हैं क्या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पर स्मॉल के ले लीजिए, Q1 Q2 अपॉन r², वेयर के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, समानुपातिक नियतांक। अब इसको अगर थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करना चाहें बच्चों तो जैसा दिखता है वो डिफाइन करना होता है, खुद से इसको डिफाइन करिए ज्यादा बेटर रहेगा, खुद से इसकी भाषा बनाइए कि इसको यहाँ ले लें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहें तो देखिए, अगर दो चार्जों के बीच का जो मीडियम है वो हम वैक्यूम ले लें, निर्वात जिसको कहते हैं, तो के की वैल्यू हम ले सकते हैं SI यूनिट में, ध्यान रखिए SI यूनिट में, 1/4πε0। इसी को न्यूमेरिकल वैल्यू में बाय एक्सपेरिमेंटल फाइंड किया गया है 9 to 10 power 9। इसका यूनिट निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस प्रकार से ये होता है। तो अगर k की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो f इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r² और यूनिट आप ले सकते हैं न्यूटन। तो हमें पता चल गया कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जों के बीच इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत बल 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r². लेकिन ध्यान रखिएगा जब दोनों चार्जों के बीच का मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, यहाँ पर एक नई क्वांटिटी आई है, नई राशि आई है एप्सिलॉन नॉट। तो हियर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्यशीलता, हिंदी में इसको कहते हैं निर्वात की वैद्यशीलता। और एथलिन नॉट का यूनिट या डायमेंशन आईआईटी मेंस में भी पूछा गया है, तो बड़ा इजी है। एथलिन नॉट को आप यहां ले जा, एथलिन नॉट को यहां ले जा, फोर्स को यहां लाए, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम बच्चों इसके वेक्टर फॉर्म्स को, चलो अच्छी और बता दें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है 8.85 × 10^-12 यूनिट आप यहां से बना सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिए और आप एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प ले लीजिए, बेटर आपको समझ में आएगा। अब कूलम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म बताएंगे। तो यहां देखिए कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का इसी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ध्यान दें वेक्टर, वेक्टर आप 11th में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए हम पोजिशन वैक्टर सदिश वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं आर। तो हमने सपोज करिए कि ले लिया यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनकी कोई डिस्टेंस मान ली ओरिजिन से, ये R2 नाम दे दी और इसको R1 वेक्टर में है। मान लीजिए Q2 है तो यहाँ पर F21 फोर्स लग रहा है और यहाँ पर F12। डायरेक्शन अपोजिट ली है, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये सेम चार्ज है, इसलिए रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। और यहाँ पर ये इनका हम वेक्टर सिस्टम जानते हैं, तो 2-1 ले लेंगे तो R2 - R1। इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो फोर्स F21 F12 और Q1 Q2, ये या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट है और यहाँ पर R21। तो ये आप देखिए Q1 Q2 जो होगा वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो आंसर ये जीरो से ग्रेटर होगा। क्यों? माइनस माइनस होंगे तब भी मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा होगा, प्लस प्लस होंगे तब भी इसका मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा ही होना है। अगर इसका सेकंड फॉर्म हम देखें तो फिर से वही Q1 Q2 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो निश्चित है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा 1-2 और ये F21। अब इसमें देखें F जो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा तो जीरो से छोटा होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है हमेशा, तो लेस देन जीरो। तो कभी ये चीजें पूछ ली जाती है एक नंबर में, तो आपको ध्यान देना है। अब इसके हम वेक्टर फॉर्म में लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर के बारे में, जैसे यूनिट वेक्टर A कैप क्या होता है, वेक्टर A अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब उसका परिमाण। तो इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा कहें कि जो इनके पोजीशन वेक्टर हैं, वेक्टर R21 इसके आधार पर क्या होगा, स्वयं वेक्टर आएगा, सॉरी ये वेक्टर नहीं होगा, ये कैप होगा यूनिट वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो मॉड लगा के लिख सकते हैं। इसी को अदर फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 - R1 / R2 - R1 का वेक्टर का और ये मैग्नीट्यूड। इसको अगर 2-1 नहीं तो 1-2 लिखना हो तो ये हो जाएगा R12 / ये। अगर इसमें हम थोड़ी सी ध्यान दें, इसको अगर हम चेंज करना चाहें, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका R1 - R2। इस प्रकार से अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये R2 - R1, अगर माइनस आगे ले लें तो ये हो जाएगा आपका R2 - R1। ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप कुछ भी लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका बन गया हिसाब से -2-1।
क्यों? क्योंकि R2 माइनस R1 किसका रिलेटेड है? 2-1 का। तो R12 को माइनस R21 भी लिखा जा सकता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लेके चलते हैं इसके थोड़े से वेक्टर को। यूनिट वेक्टर के आधार पर इसका हम फोर्स फोर्स की वैल्यू में ले चलेंगे। तो F21 21 का मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 या फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर 21 है। तो 21 लगा दीजिए, ये आंसर है। अब इसको इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 21 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पर आप लिख सकते हैं R2 माइनस या ऐसे लिख रही है R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक है, ये देखिए ध्यान से दिया जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आप देख रहे हैं ये सेम क्वांटिटी है। तो 21 का Q लेकिन यहाँ वेक्टर रहेगा R। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप R कैप जो पोजीशन वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है इसके फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ही रहेगा। अगर आप इस कैप को वेक्टर के फॉर्म में लाते हैं इस फॉर्म में तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से सिमिलरली लेके चले तो F 1 2 यहीं से ले लीजिए। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का स्क्वायर और R कैप 1 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर इसकी हम डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का स्क्वायर इसको माइनस लगा के हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 की जगह 2 1। क्यों? डायरेक्शन चेंज कर दी, ये माइनस आ गया जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 1 2 का स्क्वायर ध्यान से देखिए और ये है 2 1। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज ध्यान दे सकते हैं कैप है तो कैप लगा दीजिए। ठीक है, और ये 1 2 ये मैग्नीट्यूड है 1 2 2 1 इक्वल होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू जो है ये किसकी है? इसकी। ये हो गया वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस 2 1। ये क्या हो गया? देखिए ध्यान से, आप ऐसा एक रूल्स पढ़े होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो एक्शन और रिएक्शन लॉ होती है। तो कहने का मतलब कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ध्यान रखिएगा। ये प्रूव करने के लिए कह सकता है इस प्रकार से इसको आप वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं और आप लोग मेहनत करिए। इसके आगे हम अगले लेक्चर बात करते हैं।